दोस्तों, पिछले काफ़ी साल से बस यही कोशिश की जा रही है कि कैसे किसी फ़ोन का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जो है उसे बढ़ाया जा सके, यानी कि जो भी फ़ोन के चारों तरफ बॉर्डर्स हैं उसे कम किया जा सके, यानी कि आपको एक आप कह सकते हैं कि आपको एक बेजललेस फ़ोन आपको आप तक पहुंचाया जा सके। और इसी खोज में पॉपअप कैमरा, ड्रॉप नॉच कैमरा और फिर तरह तरह के कैमरे के सेटअप जो कि आपको कम से कम बेजल दे सके, सेल्फी नॉच कैमरा, वाटर ड्रॉप नॉच कैमरा, फिर पंच होल कैमरा, इस तरह के काफी स्पेसिफिकेशन वाले फोन आपको देखने को मिले पिछले कुछ सालों में, कुछ महीनों में, और शायद इनमें से आपके पास एक फोन आपके हाथ में हो भी। शुरुआत तब से हुई जब आपके फोन के पीछे एक फिंगरप्रिंट सेंसर लगा हुआ होता था, उसे लाया गया आपके डिस्प्ले के अंदर। अगर आप उसे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर बोलते हैं तो शायद आप कहीं गलती कर रहे हैं, क्योंकि इसे अगर आप अंडर डिस्प्ले बोलेंगे तो ये कुछ ज्यादा सही होगा, क्योंकि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का मतलब होता है कि आपके डिस्प्ले में कहीं भी आप टच करेंगे तो आपका फोन जो है वो अनलॉक हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर बोलते हैं तो आप ये ना बोले, आप बोले अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। तो ये एक एक्स्ट्रा टिप होगा इस वीडियो के अंदर। तो ये शुरू यहीं से हुआ था कि जो भी फिंगरप्रिंट सेंसर है उसे डिस्प्ले के नीचे डाल दिया गया। और आपको पता है कि जिस भी फोन में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होता है वो डिस्प्ले आपका ओलेड डिस्प्ले होता है। और ये आगे चलते 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 2000 years later चलते चलते ओप्पो ने ये किया कि आपका जो सेल्फी कैमरा होता है जहां पे कि आपको नॉच देखने को मिलता है, वो नॉच भी आपको देखने को ना मिले, यानी कि एक ऐसा सेल्फी कैमरा जहां पे कि आपका वो अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा हो जाए। पहले ओप्पो ने अनाउंस किया, फिर शाओमी ने अनाउंस किया, लेकिन आपको तो पता है कि विनर वही होता है जो कि पहले फोन को लॉन्च कर दे, क्योंकि इतनी सारी कंपनीज है फोन की कि अगर किसी ने अपने किसी टेक्नोलॉजी को पेटेंट करवा लिया तो उनका नाम नहीं होता है। अगर सेम टेक्नोलॉजी के साथ कोई और कंपनी मार्केट में अपने फोन को लॉन्च कर देती है तो उस फोन की ज्यादा डिमांड, उस फोन का ज्यादा नाम। और अगर मैं आपको एक एग्जांपल यहां पे भी दे दूं तो आप अगर सर्च करेंगे कि कौन सा ऐसा फोन है जो कि पहला अपना एक फोल्डेबल फोन लाया था, तो अभी भी आपको यहाँ पे फ्लैक्स पाई देखने को मिलेगा, ना कि आपको सैमसंग या फिर मोटोरोला के फोन देखने को मिलेंगे। तो जाहिर से बात है कि अभी तक अगर ओप्पो और शाओमी ने अपना एक अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा लॉन्च नहीं किया है तो इनका नाम भी नहीं आएगा, क्योंकि एक कंपनी है ZTE, या फिर अगर आप ZTE बोलते हैं तो ZTE का Exon 25G फोन जो कि मार्केट में आ चुका है अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा के साथ। और ये जो भी अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा वाले फोन होंगे या फिर अभी जो भी हैं जिन पे भी काम चल रहा है, उनकी टेक्नोलॉजी लगभग बिल्कुल सेम है, ये बस अपने अपने प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के साथ थोड़ा बहुत ट्विक करते हैं ताकि उनमें कुछ चेंजेज आ सके, उनकी उनके फोटोज की क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर बनाई जा सके। और जाहिर से बात है कि अगर ये एंड्रॉइड फोन्स के अंदर आ चुका है तो जो भी कंपनीज बाकी है फोन्स की GTE को छोड़ के, तो वो अब इन रैट रेस पे लग जाएंगे कि किनके फोन के अंदर पहले अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा आ जाता है। और अगर मैं यहाँ पे गूगल के फोन या फिर एप्पल के फोन की बात कर लूँ तो अभी आपको इन फोन्स में देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की बात कर लूँ तो अभी तक आपको गूगल पिक्सल के फोन में देखने को नहीं मिला होगा, और एप्पल की तो आप बात ही छोड़ दें। और एप्पल ऐसा करता क्यों अपने आईफोन्स के साथ, उस पे मैंने वीडियो बना रखा है, आप यहां आई बटन पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि जो भी अभी चाइनीज कंपनी है, चाइनीज ब्रांड है, और मोस्टली यहाँ पे चाइनीज ब्रांड ही है जिनके फोन्स इंडिया के अंदर सेल होते हैं, तो ये जो भी कंपनीज है वो चाहेंगे कि उनके फोन्स के अंदर भी अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा आ जाए। और क्योंकि ZTE भी एक चाइनीज कंपनी है, चाइनीज ब्रांड है, और वन प्लस, वीवो, ओप्पो, पोको, रियलमी और आपके दिमाग में जो भी नाम आ रहा है, जो पहला नाम आ रहा है, वो मैक्सिमम कंपनीज जो हैं वो आपको चाइना से ही हैं। और अगर आप ZTE के वेबसाइट के अंदर भी जाएंगे और अगर आप यहाँ पे सेल्फी कैमरे की क्वालिटी को भी देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि एक अच्छा फोटो यहाँ पे निकाल के दे रहा है आपको, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। आपको पता होगा कि पहले भी बहुत सारे फोन की जो कंपनी है, फोन के जो ब्रांड है, वो SLR से लिए हुए फोटो को अपने एडवर्टीजमेंट में डालते थे और लोगों को ऐसा लगता था कि उनके फोटोज, उन फोन्स के फोटोज काफी अच्छे आते हैं। तो ठीक ऐसा ही आप यहाँ पे भी समझ लो कि यहाँ पे जो आपको वेबसाइट के अंदर फोटो का सैंपल दिया हुआ है, आपको ऐसा फोटो सामने से देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप ZTE के फोन से सेल्फी लेना चाहेंगे तो जैसे कि आपके नॉर्मल कैमरे के लेंस के ऊपर कुछ गंदगी लगी रहती है या फिर आपका स्मज लगा रहता है, तो कुछ वैसा ही फोटो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि एक थोड़ा सा ब्लरी या फिर आप ग्लोइंग फोटो बोल सकते हैं,
क्योंकि आपको मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी जो है वो सारे कंपनी के अंदर आपको अभी के समय में सेम मिलने वाली है, यानी कि यहाँ पे पिक्सल के डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाता है और जो सेल्फी कैमरे का जो सेंसर होता है उसे बड़ा कर दिया जाता है ताकि जो भी डिटेल्स थोड़ा बहुत आ रहा है वो सेंसर उसे कैप्चर कर सके और एक फोटो आपको दे सके। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिक्सल्स के बीच में गैप रहता है ताकि लाइट उसके थ्रू जा सके, इसी वजह से अगर आप एक पर्टिकुलर एंगल पे उसके डिस्प्ले को देखेंगे जहां पे कि कैमरा उसके अंदर लगा हुआ है तो आपको वहां पे डिस्प्ले थोड़ा सा डिफरेंट वहां पे आपको देखने को मिलेगा। हालांकि जैसे फोल्डेबल फोन लॉन्च करना एक माइलस्टोन था, वैसे ही आप इसे भी एक माइलस्टोन बोल सकते हैं जिसे कंप्लीट किया है ZTE ने। हालांकि यहां पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पे आपको इमेज की क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और मैं आपको ये दावे के साथ बोल सकता हूं कि आने वाले साल में, आने वाले 2021 में आपको बहुत सारे कंपनीज के ऐसे कैमरे देखने को मिल सकते हैं जिसका कि सेल्फी कैमरा अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा होगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, आप वो मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपकी कुछ राय हो तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। और मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।